वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के अशोकपुरम कॉलोनी में चोरों ने हृदय प्रताप देव के बंद मकान का ताला तोड़कर नकदी समेत लाखों रुपए के ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें कि हृदय प्रताप देव गत 20 मार्च को होली में अपने परिवार के साथ अपने गांव गढ़वा झारखंड गए थे। बुधवार की रात्रि में 2 बजे घर आए तो गेट का ताला सही सलामत लगा मिला, लेकिन अंदर जाने पर दरवाजे पर लगा ताला टूटा मिला। कमरों का दृश्य देखकर परिवार के लोग हतप्रभ रह गए। सामान अस्त व्यस्त थे और चोरों ने गंदगी भी कर दी थी। हृदय प्रताप देव ने बताया कि घर में 70 लाख रुपए के गहने और 1.5 लाख रुपए नकद चोरी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि जब वह घर में प्रवेश किए तो देखा कि अंदर के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ है। जब उन्होंने घर के अंदर प्रवेश किया, उनकी माता के कमरे का भी दरवाजा टूटा हुआ था और सामान बिखरा हुआ था, जिसमें से उनके माता के बक्से में पुरानी ज्वेलरी रखी हुई थी और कैश रखा हुआ था। हृदय प्रताप ने बताया कि उसके बाद वह अपने भाई के रूम में गए, वहाँ का भी यही नज़ारा था। अभी 2 साल पहले ही हृदय प्रताप के भाई की शादी हुई थी और गहने मिले थे, वह सभी चोरी हो गए। इसके बाद हृदय प्रताप देव अपने रूम में गए, उसमें भी चोरों ने ताला तोड़कर बहुत ही आराम से चोरी किया। उन्होंने बताया कि लगभग 65 से 70 लाख रुपए का गहना और 1.5 लाख रुपए कैश चोरी हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर लंका थाने की पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच की। लंका से चोर शिवकांत मिश्रा ने कहा कि घटना की जानकारी होते ही एक टीम को जांच के लिए लगाया गया है। आसपास के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। हमारे ख्याल से अगर माता जी का और मेरे भाई का अगर मिला लिया जाए तो 60 से 65 लाख का गहना था। वो कैसे? कैश 1.5 लाख था। और उन्होंने मतलब ये किया था कि एक एक गहना उसका चोरी कर लिया था, एक भी नहीं छोड़ा था वहाँ पे। और अगर बात करें जो है तो पुलिस और लोगों को सूचना दिया आपने, तो रात को मैंने तुरंत चौकी पे मैं गया, पिकेट वाले यहाँ पे आए थे रात को, जांच किया तो उन्होंने सहयोग किया। फिर चौकी इंचार्ज से भी बात हुआ, चौकी इंचार्ज सुबह आए थे यहाँ पे और उन्होंने फॉरेंसिक के साथ ला के उसको जाँच में वो सहयोग कर रहे हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि इतनी बड़ी डकैती की घटना होने के बाद आसपास के पूरे मोहल्ले में डर का माहौल व्याप्त है। अगर इस पे अतिशीघ्र कार्रवाई की जाती है तो कानून व्यवस्था फिर से स्थापित, कानून व्यवस्था पे विश्वास बढ़ेगा लोगों का।